स्वागत है आप सभी का क्विक हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं वेब ब्राउजर की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, समझ कर चलना। आपको कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, खास करिए ट्रिपल सी में, मैं देखा हूं कि कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेब ब्राउजर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरा नॉलेज वेब ब्राउजर के बारे में मैं दे दूंगा, तो सबके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी आपको मिस नहीं करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। तो फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। किसने बनाया इसको? टिम बर्नर्स ली ने 89। 89 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 90 में ये वेब ब्राउजर 90 में बना, वैसे आपको ये पता होना चाहिए। 89 में क्या हुआ था, जो एक वर्ल्ड वाइड वेब, एक वेब भी है ना जिसको वेब बोलते हैं, जो URL है, जिसको जो URL में होता है वो भी था ना, उसको पहले बनाया इसको, उसके बाद वेब ब्राउजर का निर्माण इन्होंने 90 में कर दिया। किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने किया। बहुत क्वेश्चन आता है ये, तो याद रखना आपको पहला वेब ब्राउजर यही है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर के बारे में। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। जब भी आप सर्च करते हो गूगल में या फिर कहीं पर, तो उसमें लिख के आता है कि मोजैक जो है फर्स्ट वेब ब्राउजर है। तो आज इस वीडियो में सब क्लियर हो जाए आपको। देखो, एक था एरविज, दोनों बोलते हैं इसको हिंदी में, लिख तो ऐसे ही इसको। तो ये 1991 में बनाया गया, सबसे पहले यही ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड किया था, ठीक है। इसको बनाया किसने? किम नेवर्ग। ये सबसे मतलब मेन इसके यही थे, मुख्य किम नेवर्ग जो है, मुख्य इसके जो फाउंडर थे उसमें से मुख्य थे। बाकी सब ने कैरिनेट, टीमू रैंटनेन और कैटी बोर्गर्स, इन सब ने चार लोग मिलकर इसको बनाए थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है वोला WWW। इसको पे युआन करके कोई एक इंजीनियर था, उसने बनाया था, 1992 की बात है, ठीक है। उसके बाद मोजैक आया। तो तीसरे नंबर पर देखो मोजैक आ रहा है, पहले पे एरवाइज, दूसरे पे वोला WWW, उसके बाद मार्क एंडरसन ने बनाया था मोजैक को, ठीक है। तो मोजैक के बारे में आपको इतना बातें पता होना चाहिए कि मार्क एंडरसन ने इसका निर्माण किया था 1993 में, जिसको फर्स्ट वेब ब्राउजर आप सर्च करते हो तो मिलता है, लेकिन उससे पहले 91 में ये बना दिया गया था। तो ध्यान देना, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी जो भी है कर लेना आप हिसाब से क्वेश्चन, 100% पूछेंगे एग्जाम में, और बता रहे थे लोग मोजैक ऑप्शन में होता भी नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेटस्केप नेविगेटर, जो कि 1994 में बना, मतलब मोजैक के बाद नेटस्केप नेविगेटर बना। तो ये जो चार मैंने आपको बताया, सबसे पहले बनाए गए ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ये भी ग्राफिक्स इंटरफेस प्रोवाइड करता है नेटस्केप। तो इसको किसने बनाया? नेटस्केप एक कंपनी थी, उसने इसको बनाया 1994 में। अब बात करते हैं टॉप वेब ब्राउजर के बारे में, ठीक है। गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर है दुनिया का, याद रखना। क्रोम जो कि गूगल द्वारा बनाया गया, ये 2008 में लॉन्च किया गया, तो याद रखना आपको। उसके बाद आता है मोजिला फायरफॉक्स, ये भी बहुत पॉपुलर है, सब जानते हो। ये 2002 में बना, मोजिला फाउंडेशन द्वारा इसको बनाया गया। उसके बाद आ जाता है टॉप वेब ब्राउजर में सफारी, सब लोग बहुत सुनते हो। 7 जनवरी 2003 को एप्पल द्वारा ये बनाया गया, याद रखना ये एप्पल द्वारा बनाया गया है। जनवरी 2003 में लॉन्च किया गया सफारी वेब ब्राउजर। अब अगला है हमारे सामने टॉप वेब ब्राउजर में इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि 16 अगस्त 1995 को बनाया गया। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया, तो ये बहुत पहले ही बन गया था, ये भी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और माइक्रोसॉफ्ट एड्स का भी, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक लेटेस्ट वर्जन है ये, समझ रहे हो बात, ये 2015 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आता है कि सबसे लेटेस्ट अपग्रेडेड वेब ब्राउजर कौन सा है, मतलब जो अपग्रेड किया हुआ ब्राउजर वो भी लेटेस्ट। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट एड्स जो कि लेटेस्ट है, अपग्रेडेड है, ध्यान में रखना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया 2015 में, टॉप वेब ब्राउजर में ये भी आता है। और फिर आता है ओपेरा, बहुत सुनने में आता है ये। तो ओपेरा अप्रैल 1995 ही बन गया था, ओपेरा सॉफ्टवेयर ने बनाया इसको। लेकिन अभी सुनते हो आप लोग ओपेरा मिनी, जो कि 16 जून 2016 को लॉन्च किया गया, ये दोनों ओपेरा सॉफ्टवेयर ही बनाया इसको, एक कंपनी ओपेरा सॉफ्टवेयर करके, तो ओपेरा ब्राउजर और ओपेरा मिनी उसी ने बनाया, ठीक है। जून 2016 में ओपेरा मिनी बना
और 95 ओपेरा बनी गया था। टॉप में ये भी आता है। और एक है क्रोमियम टॉप वेब ब्राउजर, ये भी है क्योंकि ये क्रोम का ही, गूगल द्वारा ये बनाया गया, ये क्रोम का एक, ये ओपन सोर्स है। मतलब क्रोम जो है ओपन सोर्स नहीं है, ये ओपन सोर्स है बिल्कुल, ठीक है। तो फ्री तो दोनों है, क्रोम भी फ्री होता है और ये भी फ्री है, मिलता फ्री में, लेकिन ओपन सोर्स नहीं है, ये ओपन सोर्स है, ये खुला है एकदम, इसका कोड वगैरह सब कुछ ये उसी के द्वारा, उसी के आधार पे ये भी बन डेवलप किया गया है। इसका नाम है क्रोमियम, याद रखना, गूगल द्वारा ये भी सितंबर 2008 में ये भी लॉन्च किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है भी क्रोम के बारे में को याद रखना है। फिर बात करते हैं यूसी वेब ब्राउजर। अभी देखो ये अप्रैल 2004 में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया, यूसी वेब के द्वारा किया गया, यूसी वेब। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूसी ब्राउजर जो है किसके अंडर में आता है, अलीबाबा ग्रुप ने इसको खरीद लिया। अलीबाबा मतलब समझते हो ना, जैकमा, जो कि अलीबाबा एक ई कॉमर्स कंपनी चाइना की, जो कि जैकमा इसके फाउंडर हैं, बहुत सारा इसके बारे में बात होती रहती है। तो ये चाइना का मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर माना जाता है। देखो चाइना में कई सारे ब्राउजर यूज होते हैं, क्रोम भी यूज होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज होता है, सफारी भी यूज होता है। चाइना में सबसे ज़्यादा क्रोम ही यूज होता है सच कहूँ तो। उसके बाद यूसी ब्राउजर भी पॉपुलर है वहाँ का। तो ये भी क्वेश्चन आता कि चाइना में कौन सा ब्राउजर यूज होता है, तो वहाँ पे यूसी ब्राउजर के साथ साथ क्यूक्यू ब्राउजर, बायडू ब्राउजर, और जैसे क्रोम मैंने बताया कि टॉप है वहाँ का, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज होता है वहाँ पे, सफारी भी यूज होता है वहाँ पे, तो ये सब यूज होते हैं। यूसी तो मान लो चाइना का ही है, क्यूक्यू भी स्पेशली चाइना का है, बायडू भी स्पेशली चाइना का है। और एक वीडियो मैं सर्च इंजन का भी बनाया हूँ, जिसको जो लोग नहीं देखो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, न्यू सिलेबस वाले में मैं सारा ये सब डाल दिया हूँ, स्पेशल टॉपिक है, इसको जरूर देखना, आपको बहुत आपको हेल्प मिलेगा इससे। फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए, उस पे आते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए सब लोग लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। फिर आते हैं क्वेश्चन पे, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन एक ही है, ये ट्रू है कि फॉल्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। अगर ज़्यादा अच्छा जवाब आएगा, ज़्यादा लोग अच्छे जवाब दोगे, सही जवाब दोगे तो सही है, नहीं तो इस टॉपिक पे भी एक वीडियो मुझे बनानी पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसका बारे में भी, ठीक है। फिर बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।